चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के फैंस के लिए काफी बुरी खबर सामने आ रही है। जी हां, जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ हाल ही में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हुए थे और निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही उन्हें जान का खतरा मंडरा चुका है। जी हां, दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रशासन के निर्देश पर वाई प्लस की सुरक्षा मुहैया करा दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को राजनीतिक रंजिश के चलते जान का खतरा होने की रिपोर्ट विभाग ने जिला प्रशासन को दिया था। उसके बाद फिल्म स्टार की सुरक्षा को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने खुफिया विभाग के इस रिपोर्ट को प्रदेश सरकार के गृह विभाग को भेजी थी। उसके बाद शासन के निर्देश पर वाई प्लस श्रेणी सुरक्षा मुहैया निरहुआ को करा दिया गया है। गौरतलब है कि भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी में शामिल होने के साथ ही आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से समाजवाद पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने की राजनीतिक गलियारों में चर्चा बड़े ही जोर शोर से हो रही थी, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं दिया गया। भोजपुरी और संगीत जगत से राजनीतिक में दिनेश लाल यादव निरहुआ के उतरने के साथ ही राजनीतिक कारणों से जान पर खतरा देखते हुए शासन ने वाई प्लस सुरक्षा मुहैया करने का निर्देश दिया है। अब देखना ये है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ के चुनावी टिकट पर बीजेपी से की तरफ से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये ऑफिशियली स्टेटमेंट कब दिया जाता है। लेकिन इतना कंफर्म हो चुका है कि निरहुआ बीजेपी की रैली को जमकर प्रमोट करते हुए नजर आते हैं।